करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बस्ताड़ा टोल पर धरना दे रहे किसानों से अनुरोध किया कि नेशनल हाईवे नंबर 44 पर चलाए जा रहे लंगर को स्थानांतरित किया जाए ताकि वाहनों के आने जाने में कोई दिक्कत ना आए। किसानों ने उपायुक्त की बात को गहनता से लिया और कहा कि शीघ्र ही इस पर विचार किया जाएगा और नजदीक लगते स्थान पर लंगर को चलाया जाएगा। उपायुक्त सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जायज मांग को माना जा रहा है, परंतु धरने पर बैठे लोगों के द्वारा आम जनता परेशान ना हो इसका समाधान प्रशासन व आंदोलन कर रहे किसानों को मिलकर करना होगा। इसके लिए उपायुक्त ने किसानों से कहा कि धरना व लंगर पर किसी प्रकार से धार्मिक मुद्दा ना बनाए, जीटी रोड पर धरने के स्थान पर भीड़ भाड़ ना हो, जरूरत के अनुसार ही धरने पर लोग बैठाए जाएं तो इससे काफी यातायात व्यवस्था में सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बस्ताड़ा टोल पर लंगर बनाने की व्यवस्था करीब 200 मीटर दूर बस्ताड़ा स्टेडियम में हो तो उचित होगा, परंतु किसानों ने माना कि जीटी रोड पर स्थित लंगर के स्थान के पीछे खेत खाली पड़ा है, खेत मालिक से बात करके लंगर के स्थान को पीछे हटा लिया जाएगा। इसी प्रकार उपायुक्त ने कहा कि नेशनल हाईवे पर लेक के पास लंगर लगाया जा रहा है, वहां पर काफी भीड़ होती है, यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस पर सुझाव दिया गया कि कुछ ही मीटर दूर सड़क के पास ही एक पर्यटन विभाग की जमीन है, वहां पर लंगर चलाया जाए। किसानों ने प्रशासन की बात पर अमल करते हुए कहा कि वह तुरंत जीटी रोड स्थित लंगर को उचित स्थान पर ले जाएंगे। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि धरना प्रदर्शन शांतिप्रिय हो, जो भी किसान योजना बनाए एक दिन पहले पुलिस को उसकी सूचना दे ताकि किसानों व प्रशासन को दिक्कत ना आए। उन्होंने किसानों से कहा कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बीच में आकर दिक्कत पैदा कर सकते हैं, ऐसे आदमियों से सावधान रहने की जरूरत है। यदि किसानों को कोई दिक्कत आती है तो वह पुलिस को सूचना दें, किसी भी प्रकार की अफवाह से बचे, निर्णय करने से पहले जानकारी लेकर ही आगे बढ़े। किसान प्रतिनिधि राकेश ढोला ने सुझाव दिया कि बस्ताड़ा टोल पर चल रहा धरने पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 वॉलंटियर लगाए गए हैं ताकि सड़क पर भीड़ ना हो। यह धरना किसी धर्म से नहीं जुड़ा है बल्कि किसानों की मांगों को लेकर है। उन्होंने बताया कि धरने पर किसी भी धर्म का झंडा नहीं लगाया जाएगा, न ही धार्मिक नारे लगाए जाएंगे, बल्कि धरने पर भारतीय किसान यूनियन के नारे और भारत माता की जयकार लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथ हैं। इस मौके पर आयुष सिन्हा, डॉक्टर पूजा भारती, राजबीर सिंह, अजय राणा, रामपाल चहल, बलिंद्र सिंह लाडी, आशीष मलिक, सुरेंद्र कुमार, राकेश ढोला, जेपी शेखपुरा, मनदीप चौगामा, दिलबाग सिंह, दीदार सिंह, दलजीत सिंह दरड़, गुरतेज सिंह वडैच उपस्थित रहे। प्रशासन ने बुलाए थे, एसपी साहब, डीसी साहब और दोनों एसडीएम बैठे थे। उन्होंने थोड़ी हिदायत दी हमारे को, भाई आप जो बस्ताड़ा टोला है वहाँ पर लंगर की वजह से ट्रैफिक जाम हो, और वो ट्रैफिक की वजह से जी रोड जाम हो जाए। तो हमने उनको कहा भाई हम आज अपने विंटर भी लगा दिए, वहाँ रस्सा भी लगा दिया, इससे इधर ट्रैफिक ना रुका। उसमें हम ना आपका भी सहयोग चाहिएगा, थोड़े आप भी चार जवान खड़े कर दो और हमारे वॉलंटियर भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनेगी। उन्हें एक और कह भी हमारा सुझाव आप थोड़ा सा लंगर पीछा कर लें, अगर खेत वाला मान जाए वहाँ, या फिर दूसरी साइड ले आऊँ वहाँ से बना कर लिया। वहाँ हमने कहा भी वो तो संभव नहीं है, मुश्किल है, और उससे तो फिर और आवाजाही ज़्यादा बढ़ जाएगी जिट रोड पर, तो उसकी भी हम विचार करेंगे। अगर हमारा थोड़ा पीछा टने की व्यवस्था बन गई तो हम बनाएंगे, सहयोग करके चलेंगे। तो धरने की क्या सिचुएशन है? धरना वैसे ही चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही भजन मंडली रहेगी, स्टेज वहीं रहेगी, वहीं धरना चला। आज से लेक पे भी शुरू हो गया? हाँ जी, आज लेक पे लंगर चालू हो गया जी। एक भाई बोल लो भी, तुम भी बोल लिए। फिर अभी लेक पे आदमी हमारा जा लिए, सामान जा लिया, उस पर भी थोड़ी जगह की है। एसडीएम साहब अभी साथ में जाएंगे, जो वहाँ के लंगर के प्रधान है ये भी जाएंगे, वहाँ भी सोच रहे भी कि जगह इससे भी बढ़िया मिल जाए तो वहाँ चलेगा, नहीं तो फिर लेक भी चलेगा, चलेगा लंगर, इसमें कोई संशय नहीं। चल साहब बता चुके हैं भाई, उसके लिए हमने उनको बोल दिया है, अभी हम कोऑपरेट करेंगे, हमारी वजह से ट्रैफिक की जो किसी भी तरह की दिक्कत है वो नहीं आएगी, और हम कोशिश भी करेंगे उसको कोई ऐसी जगह थोड़ा आगे पीछे करके जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की हमारी वजह से कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए अजय राणा, जिला प्रधान। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।